गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अनिरुद्ध एंड आई एम फ्रॉम आदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाईशेरगढ़। तो हमारी टेंथ की साइंस का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर सेकंड, एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स, अम्ल, क्षार और लवण। तो देख लेते हैं एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स, जिनको हिंदी में हम अम्ल कहते हैं, ठीक है, दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच आर सॉर इन टेस्ट एंड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, यानी कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, एक लिटमस पेपर आता है रेड और ब्लू कलर में, एक तरह का कागज़ होता है जो कि लेबोरेटरी के अंदर मोस्टली यूज़ किया जाता है एसिड और बेस की पहचान करने के लिए। तो ये क्या करता है, जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस यानी कि नीले रंग के लिटमस पेपर को किस में बदल देते हैं, रेड के अंदर। यानी कि अगर ब्लू कलर का लिटमस पेपर लेकर किसी एसिड के अंदर डिप किया जाए यानी कि डुबोया जाए तो उसका रंग जो है वो बदल जाएगा और कैसा हो जाएगा, रेड, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है कि जो हमने सॉल्यूशन ले रखा है, जो विलयन ले रखा है वो कैसा है, वो एसिडिक है यानी कि अम्लीय विलयन है। बेस देखिए, बेस की डेफिनेशन, क्षार जिसको हिंदी में हम कहते हैं, दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट, यानी कि जो स्वाद में कैसे हों, कड़वे हों, ठीक है। यानी कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट, ठीक है। एंड चेंज रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, और जो क्या करें, रेड लिटमस पेपर को किस में बदल देते हैं, ब्लू कलर के अंदर, ठीक है। वो क्या कर रहे थे एसिड्स, वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और बेस जो होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल देखिए कुछ एसिड्स और बेस की, एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। बेस के एग्जाम्पल देखिए, CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये एसिड और बेस के एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको नोट डाउन जरूर कर लें। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिकेटर्स, जिसको हिंदी में सूचक कहा जाता है। क्या होते हैं इंडिकेटर्स, दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच टेल अस और इंडिकेट्स वेदर ए सब्सटेंस इज एसिड और बेस बाय चेंज इन कलर और ऑर्डर। यानी कि कोई भी रासायनिक जो पदार्थ, ऐसा रासायनिक पदार्थ जो हमें ये बताए कि कोई जो विलयन है वो अम्लीय है या क्षारीय है, तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि या तो वो सूचक जो होते हैं उनका कलर बदल जाता है यानी कि कलर में चेंज आ जाता है, या फिर उनकी स्मेल के अंदर चेंज आ जाता है यानी कि ऑर्डर के। नेचुरल इंडिकेटर्स यानी कि प्राकृतिक सूचक, नेचुरल इंडिकेटर्स विच आर प्रेजेंट नेचुरली और प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरल थिंग्स, यानी कि ऐसे सूचक जो प्राकृतिक रूप से उपस्थित हों या प्राकृतिक वस्तुओं से बनाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक सूचक या नेचुरल इंडिकेटर्स। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि लिटमस पेपर है या टर्मरिक हल्दी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, प्राकृतिक सूचक। सेकंड, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स यानी कि कृत्रिम सूचक, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स आर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय केमिकल मेथड्स, यानी कि कृत्रिम सूचक वो सूचक होते हैं, वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनको लैब के अंदर यानी कि रसायनशाला के अंदर जिनको तैयार किया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल देखिए, मिथाइल ऑरेंज और फेनोफ्थेलिन। ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स, जिनको हिंदी में हम गंधीय सूचक कहते हैं। क्या होते हैं ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स, दो सब्सटेंसेस हुज ऑडियोर और स्मेल चेंज इन एसिड एंड बेस, यानी कि ऐसे पदार्थ, ऐसे रासायनिक पदार्थ जिसको हम कहते हैं, ठीक है, यानी कि स्मेल बदल जाए जब उनको एसिड में या बेस में मिलाया जाए, ठीक है, यानी कि जो इंडिकेटर्स होंगे उनकी खुशबू में बदलाव आ जाएगा। तो इसका एग्जांपल देखिए, जैसे कि अनियन है या क्लोव है जिसको प्याज या लौंग हम कहते हैं, तो ये ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं। अब हम देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, यानी कि अम्लों के रासायनिक गुणधर्म क्या हैं। इनके अंदर हम डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस करेंगे, ठीक है, यानी कि अलग अलग तरह की अभिक्रियाएँ करेंगे एसिड्स और बेस की। तो सबसे पहले है एसिड्स की, एसिड की रिएक्शन है किसके साथ, मेटल के साथ, यानी कि अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया है। तो क्या होता है व्हेन एसिड, जब धातु और अम्ल की अभिक्रिया होती है, ठीक है, तो व्हेन एसिड एंड मेटल रिएक्ट विद ईच अदर देन दे फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो जब भी एसिड और मेटल की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, यानी कि धातु और अम्ल की अभिक्रिया होने से लवण बनते हैं और हाइड्रोजन गैस बनती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं अभी, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड
तो अब मैग्नीशियम जो है वो एक प्रकार का मेटल है, ठीक है, एक धातु है। HCl जैसे कि हम पीछे भी देख चुके हैं, तो ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या बनता है, MgCl2, ये क्या है, एक प्रकार का साल्ट है यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। और प्लस क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस। ओके, दूसरा एग्जांपल देखिए, सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि सोडियम क्या है, ये भी एक प्रकार का मेटल है, एक धातु है, और ये फिर से वही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बनता है, NaCl सोडियम क्लोराइड यानी कि ये भी एक प्रकार का क्या है, साल्ट है, और साथ में क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो जब भी एसिड और मेटल की रिएक्शन होती है तो उसमें क्या बनता है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं मैं वो वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।